भाई जो भी सुविधा मिली पिछले समाजवादी सरकार में मिली है, मेट्रो हो, सड़क योजना हो और लोहिया ग्राम समाज हो, स्टेडियम हो, जो भी है जहाँ तक है वो अखिलेश की देन थी, बस उसको इन्होंने अपना नाम दे करके कर दिया। योगी सरकार के दौरान विकास नहीं हुआ लेकिन हाँ बर्बादी जरूर आई। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको बांट दिया है। देखो सिलेंडर हमारा जो है 300 से 500 पहुंच गया, पेट्रोल 65 से 90 105 पहुंच गया, 900 पहुंच गया पेट्रोल हमारा पहुंच गया, 100 पार पहुंच गया, 95 आया है, ये सब विकास ही तो है। डीजल हमारा कहाँ पहुंच गया। यहाँ पे पर नफरत फैला जा रही हिंदू मुस्लिम 14 के बाद ऐसा माहौल चेंज हुआ है, क्या बताया जाए। लॉलीपॉप वाली सरकार है तो समाजवादी काफ़ी हद तक बीजेपी से सही थी। 22 में क्या देख रहे हैं, बदलाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आवास, ये सड़ वाले जी हैं भोगी बाबा मटका। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगा? महंगाई का मुद्दा है सबसे ज़्यादा, तो यही मुद्दे है सबसे ज़्यादा, अगर इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा के अनवारी चौराहे पर खड़े हैं। चलिए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब मतदान होंगे तो वे किसे मतदान करेंगे, उनका रुझान किस तरफ होगा और क्या 22 में बदलाव होगा या नहीं होगा। क्या आपको लगता है जो एक बदलाव की बात चल रही है प्रदेश में, 22 में बदलाव होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा भाई। जो हमारे मूलभूत सुविधाएं वो हमें नहीं मिली। क्या नहीं मिला आपको? अभी कोविड देख लीजिए आप, क्या हालत थी हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ के 2-3 पेशेंट थे बेचारे, 12-12, 14-14 हज़ार रुपये ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के लेकर के आए हैं। ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई हमें। जहाँ ये रोड पर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इस रोड पे 5 साल आज से 12 से 17 में यहाँ पे काम हुआ था, उससे पहले यहाँ पे गड्ढा था। हमें जो भी सुविधा मिली पिछले समाजवादी सरकार में मिली हैं, इस सरकार में हमें मूलभूत सुविधाएं हमें कोई नहीं मिली। नहीं, सरकार तो कहती है कि हमने जो है अच्छे अच्छा जो है स्वास्थ्य दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, सरकारें तो दावा कर रही हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं आपको नहीं मिला? भाई सरकार का दावा बहुत अच्छा है, शराब के ठेके खुले हुए, स्कूल बंद हैं, भाई शिक्षा कहाँ मिल रही है हमें? सरकार ने कोई ऐसा प्लान ही नहीं बनाया कि शिक्षा खुल सके, स्कूल खुल सके। हाँ ठेके खोल दें, ठेकों के लिए उनके पास प्लान था। योगी आदित्यनाथ जी तो गिनाते हैं ना। अच्छा, जैसे आप युवा हैं जी, क्या रोजगार की बात जब चलती है जी, जी, जी। बैनर पोस्टर में तो रोजगार की बात बड़ी चल रही है कि इतने रोजगार दे दिए, आप लोगों को रोजगार मिला? भाई मुझे तो नहीं लगता किसी को रोजगार मिला। हाँ बैनर पे मिला है। अच्छा। कागज में मिला है, जमीन पे रोजगार नहीं मिला है। यही अनवारी चौराहा है यहाँ पे, कोविड के समय मैंने देखा पढ़े लिखे लड़के बेचारे सब्जी और खीरे और आलू बेचते हुए, और रोजगार मिलता तो वो रोड पे बैठ के सब्जी बेचते। रोजगार नहीं मिला? नहीं, हमारे रोजगार नहीं मिला यहाँ पे। आप खेती किसानी करते हैं? जी मैं खेती करता हूँ भाई, आप किसी से पूछो। चलिए आ जाइए, बात ही आप ही से कर लेते हैं। किसानों की आय दोगुनी की बात हुई, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई। क्या लगता है कि 22 में मतलब बदलाव होगा या नहीं होगा? लगता तो है कि बदलाव होगा 22 में। किसके पक्ष में होगा भाई? समाजवादी अगर सरकार आ जाएगी तो बदलाव होगा। सरकार रही वही तो बदलाव कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, आप चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि ये योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास कार्य हुए कि नहीं हुए? ना ना सर जी, आप गिना दीजिए, आप रिपोर्टर हैं, आप उनके 3 विकास के कार्य बताइए। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा सवाल आपसे है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरा काम किसी की उपलब्धियाँ गिनाना नहीं है, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। आपके क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? ना ना सर, कोई विकास नहीं। किसके समय में हुआ? जो भी है सब सपा के वक्त में हुआ, उन्हीं की ये पर्ची काटते रहे, उद्घाटन करते रहे, मेट्रो हो, सड़क योजना हो और लोहिया ग्राम समाज हो, स्टेडियम हो, जो भी है जहाँ तक है वो अखिलेश की देन थी, बस उसको इन्होंने अपना नाम दे करके कर दिया। मुझे तो नहीं लगता है। रोजगार मिला? युवा है आप? ना बिल्कुल नहीं, जिस कंडीशन में थे वही थे। एक NDTV का सर्वे मैं बता रहा हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, आप इत्तेफाक ना करें, 79 लाख लोग जो रोजगार से लगे हुए थे, प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर, ये निकाल दिए गए। और हमें तो नहीं लगता कि 10 लाख लोग भी नए लिए गए हैं, कतई नहीं। हमें तो 22 में मतदान करने जाइएगा, किसके पक्ष में मतदान करिएगा? हम तो भाई अपने सपा। क्यों सपा के पक्ष में क्यों? सपा का अब आपको हम बताएं, चाहे वो लैपटॉप योजना हो, समाजवादी आवास योजना हो, समाजवादी पेंशन योजना हो, कन्या विद्याधन हो, समाजवादी बस हो, 102 पुलिस हो, और क्या चाहिए। आज हम रातों में अगर बेखौफ निकल जाते हैं तो हर नुक्कड़ पे 102 मिलती है। अब वो 112 कर दी गई, उसका कोई मतलब नहीं। शिलाधार जो मेन था, जो आधार था, संगे बुनियाद, वो सपा का है।
ये सिर्फ उस पर खेलते रहे, बनाते रहे, मुद्दों से आम जनता को भटकाते रहे। नहीं, भाजपा वाले तो कहते हैं अगर कोविड नहीं आया होता तो और विकास कर दिया होता। नहीं किया, विकास किया, विकास हुआ है, अपनों का हुआ है। जब हमारे देश में संकट था ऑक्सीजन की कमी से, संसद जैसे एक पवित्र स्थान पर झूठ बोल दिया गया कि कोई भी नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। दूसरे देशों से मदद आई, ये सबने देखा कि ऑक्सीजन आया है। 700 का सिलेंडर 35,000 का लोगों ने लिया ना। कोरोना ठीक है महामारी, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि वाकई विश्व पिछड़ा है, हम अपने भारत या सरकार की बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहे, पिछड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ आगे और भी आप मुल्क देखिए, सब तरह चल भी रहे हैं ना। हमारे यहाँ क्या हुआ, शैक्षणिक संस्थाएँ सारी बंद कर दी गई, ठेके खुल गए, आदमी शराब पी रहा। तो इनकी नीतियों से हम बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि हम आपकी सोच अपने ऊपर थोप लें। आप अपना विचार रखिए, हम अच्छा लगेगा मानेंगे, हम अपनी राय दे देंगे। तो इसलिए तो हमें नहीं लगता है कि बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए और होगा, बदलाव होगा। चलिए, आपको क्या लगता है कि, या एक बात आप बताइए, क्या लगता है आपको, योगी सरकार के दौरान विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? योगी सरकार के दौरान विकास नहीं हुआ, लेकिन हाँ बर्बादी ज़रूर आई है। क्या बर्बादी हुई? बर्बादी ये आई है, सबसे पहले हम एक दे रहे हैं कि गरीब तबके से लेके चलते हैं। गरीब तबका कौन है? ये आम जनता जो रोज़ कमाने और खाने वाले हैं, किसान। किसान पूरे उत्तर प्रदेश में परेशान है क्योंकि जानवर जितने भी हैं खुले आम घूम रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह ये विकास उन्होंने किया, ठीक है। कोई भी जैसे हाईवे या किसी ने सपा की सरकार में बना, इन्होंने अपना शिलान्यास करके और उसको अपने आप में डाल दिया और उन्होंने अपने आप से दस्तावेज बना लिया कि ये हमने कराया है, इतना इन्होंने किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस और कई सारे एक्सप्रेस तो इन्हीं के शासनकाल में बन रहे हैं, इन्हीं के शासनकाल में बन रहे हैं, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की? वो अखिलेश सरकार ने की। अखिलेश ने किया था? जी हाँ, शिलान्यास मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस। हाँ, जब शुरुआत हुई थी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस, जब ये बनके तैयार होगा। हो चुका है? हो चुका है, लेकिन इन्हीं के सरकार में हुआ, लेकिन जो शुरुआत की थी वो सपा सरकार ने की। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि जो अब तो चुनाव है, तारीखों की ऐलान हो चुका है, योगी सरकार की अगर आप कार्यकाल देखिए 17 से लेकर 22 तक, कुछ विकास हुआ है? भैया किनारे हो जाओ। देखिए, विकास तो योगी की सरकार में नहीं हुआ है और समाज को ख़राब कर दिया जरूर योगी सरकार ने। कैसे समाज, कैसे खराब? समाज के ख़राब कर दिया कि हमारा जो आदमी था समाज में बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड जीवन व्यतीत करता था, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको बांट दिया है, ठीक है, समाज को खराब कर दिया। जिस देश का समाज एकजुट नहीं होगा वो देश विकास कैसे करेगा? नहीं, ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने बांटा है। कोई भी बताइए कौन उठा रहा है? कोई दलित की आवाज़ उठा रहा है? कोई जो है शोषित वंचित की आवाज़ उठा रहा है? फिर आवाज़ उठा रहा तो एक शख्स उठा रहा, वो भी मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो दलित शोषित वंचित समाज सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम की वो भी बांटने की बात कर रहे हैं। नो, आप उनका भाषण पूरा सुनिए, कोई पूरा नहीं, जो उसको काट काट के दिखाया जाता है। अच्छा, टीवी तो पुलिस वालों को भी धमकी दे रहे हैं? नहीं, वो गलत बात है, उसका पूरा भाषण सुनिए, धमकी खत्म, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पूरी भाषण उनका सुना जाए तो वो सब आदमी न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन थोड़ा दिखाया जाता है जो कि उकसाने वाला होता है। उकसाने वाला क्या होता है? उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में अगर आएंगे तो हम सबके साथ न्याय करेंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या नहीं दिखाया, मुसलमान हो दिखाया या को काट दिया कि या हिंदू हो, अगर हिंदू के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, अगर मुसलमान अगर हिंदू के खिलाफ अन्याय करेगा मैं हिंदू का साथ दूंगा, मुसलमान का साथ नहीं दूंगा, ये उनका सोच है। ओवैसी तो मान लीजिए यूपी में लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, वो उनका चुनाव अपना, वो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, अभी 303 सीटें हैं। अरे हम करें वो 100 सीटें छोड़े, 303 सीट पे ही बहुमत ला के कोई पार्टी दिखावे। अच्छा, सपा हो या बसपा हो कोई भी, उनको तो छोड़िए, 100 सीट नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नुकसान देखिए, सब हर आदमी का अपना स्टैंड है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जुताई कर रहे हैं, अपनी फसल काटेंगे। अच्छा, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। खेती किसानी करते हैं आप? जी बताइए। किसानों की आय दोगुनी हुई? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, इसीलिए तो आज ये 2000 रुपया दिया जा रहा है, 1000 रुपया दिया जा रहा है। अगर दोगुनी हो गई होती तो देने की जरूरत क्या थी? अच्छा, अगर दोगुनी हो गई होती आवाज़ तो आप गिफ्ट में देने की जरूरत क्या थी? वो खुद ही कमा रहा होता, खा रहा होता, आज 5000 कमा रहा होता। जब 5000 नहीं कमा रहा तभी तो वोट लेना है, तभी तो आप उसको दोगुनी कर रहे हैं, दे रहे हैं पैसा। ये मतलब सही है कि नहीं, ये जो पैसा सम्मान निधि दिया जा रहा है किसान? मैं कह रहा हूँ कि जो ये जो भी है आर्थिक जो भी दिया जा रहा है, चाहे वह हर तरीके की जो सरकारी मदद दी जा रही है, ये गलत है।
ये गलत है। काम के बदले देना चाहिए, ये फ्री वाली चीजें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो जो भी योजना हो, मिड डे मील योजना चलती है, मैं उसको भी गलत कहता हूँ। बच्चों की फीस अदा कर दीजिए, एड्रेस दे लीजिए, खाना मत खिलाइए, खाना उनके माता पिता खिला लेंगे, फीस तो आप उनसे जब डबल लेंगे, और खाना खिला रहे हैं, खाने में बंदरबाट हो रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, ये अनाज वगैरह सारी चीजें बंद, बिल्कुल इससे कोई। लेकिन अभी तो फिर ये 300 यूनिट फ्री बिजली की बात चल रही है। 300 यूनिट बिजली, अखिलेश ने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, बताइए। देखिए, जब अगर बिजली की योजना आएगी तो उस योजना में किसी भी आदमी को बगैर कोई सर्टिफिकेट, बगैर कोई ऑनलाइन किए, बगैर कोई दस्तावेज दिए, ये लाभ मिलने लगेगा। मान लिया आप हैं, सबके यहाँ कनेक्शन है, 300 यूनिट बिजली अगर करेंगे तो आपका वहाँ से अपने आप न्यूटिलाइज होने लगेगा। और अगर आप योगी जी, मोदी जी कोई योजना लाते हैं तो पहले पहले आधार कार्ड लिंक कराइए, पैन कार्ड बताइए, आमदनी बताइए। सर, जनता परेशान होती कि नहीं? लेकिन इस योजना में जनता परेशान होने की कोई नहीं। अभी तो आप मुफ्त की खिलाफत कर रहे थे, फिर अभी मुफ्त की समर्थन करने लगे। समर्थन करने लगे, मतलब जब सभी मुफ्त बांट रहे हैं तो अगर उसने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है तो मैं उसका अच्छा इस भी आप पे आप समर्थन। हाँ बस, हाँ चलिए, और भी लोगों से उनकी बात जानते हैं। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ विकास। क्या? देखो, सिलेंडर हमारा जो है 300 से 500 पहुंच गया, पेट्रोल 65 से 90 100 आज पहुंच गया, 900 पहुंच गया, और पेट्रोल हमारा पहुंच गया 100 पार पहुंच गया, 95 आया है, ये सब विकास ही तो है। डीजल हमारा कहाँ पहुंच गया, किसान को कितनी जो है सुविधाएं मिलने लगी, जो जेसीबी के रेट ट्रैक्टर को, जेसीबी के रेट अब ट्रैक्टर को देने पड़ रहे हैं 850-900 रुपये प्रति घंटा ट्रैक्टर चला रहा, तो ये विकास ही तो है। अब ऐसे विकास हुए हैं अपने यहाँ। जनता का विकास हुआ कि नहीं हुआ? जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जनता का यही विकास है कि वो जनता जो है, जो निचले तबके की, वो गड्ढे में जा रही। भाई, जिसको जो 450-450 रुपये प्रति घंटा ट्रैक्टर चलाता था, जिसके खेत में जुताई होती थी, उसको अब 800 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये दोगुनी आय है, ऐसी दोगुनी आय होती है, ये है इसकी। 22 में क्या लग रहा है, किसकी तरफ आप लोगों का रुझान होगा? अखिलेश की तरफ। क्यों अखिलेश, क्यों? क्योंकि ये इसने इतने अच्छे काम किए जो हमको सूट नहीं कर रहे हैं, अबकी बार बदलाव करके फिर से देख। 12 से 17 जब अखिलेश थे तो आप लोगों का विकास हो गया था? हाँ, बिल्कुल विकास हुआ था, काफ़ी कुछ मिला था। अब इन्हीं की जो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, 2 साल हो गए हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, अभी कोविड की वजह से, कहीं उसकी वजह से बीच में काफ़ी दिन आधी सैलरी आई, ये कह रहे थे पूरी सैलरी मिलेगी, आधी सैलरी आई, उसके बाद में बीच में कुछ 1-2 महीने की सैलरी कट भी गई। प्राइवेट जॉब कर रहे थे, 2 साल हो गए सैलरी नहीं बढ़ी, उस समय कर रहे थे हर साल 1,000 रुपये बढ़ती थी, हर साल 1,000 रुपये सैलरी बढ़ती थी। अब की बार जो है 2 साल हो गए, 2 साल से कोई सैलरी नहीं बढ़ी, और विकास ऐसे हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसके साथ। चलिए, और भी लोगों से उनकी राजन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये बीजेपी सरकार है, इतना ख़राब माहौल कर दिया है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो एक हर जगह नारा लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप ये बताइए, कहीं पर नारा इस समय लिखा हुआ है? क्या मीडिया में चल रहा है? कोई नहीं चल रहा, सिर्फ मतलब जो है ये समाज को बांटने की बात हो रही है। कहीं पर कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई की कोई बात हो ही नहीं रही। बचपन में हर जगह आप भी पढ़ते होंगे, अगर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कहीं आपको दिख रहा कहीं पर पूरे एरिया में? कहीं नहीं दिख रहा ना। तो ये सबसे बड़ी, हम समझ रहे, जिस देश का समाज बटा रहेगा, जिस परिवार के भाई भाई बटे रहेंगे, कैसे संपन्न परिवार कहलाएगा? जनता क्यों बढ़ जाती है? अगर जनता इतनी होशियार है, जनता सरकारें बदलती है, तो अगर किसी के बहकावे में फिर आ क्यों जाती है जनता? जनता अच्छे अच्छे बहकावे में आ जाते हैं। हम आप पढ़े लिखे जो जाहिल, तो उनको छोड़िए, वो बहकावे में आ जा रहे हैं। आज बहकावे में क्या, कल हम न्यूज़ देख रहे थे, राजभर साहब जो है अखिलेश साहब से मिले हैं, मालूम है चाय पी रहे थे बीजेपी नेता के यहाँ। तो क्या कहा जाए, बहकावे की बात क्या कहा जाए भैया? फिर क्यों बहकावे में ऐसे जनता क्यों आ जाती है इन लोगों का? इसी का आगे सबक सिखाना है, वक्त आ गया है, धीरे धीरे आप देखिएगा सब पर्दाफाश होगा सबका। चलिए, क्या लगता है आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे बस नफरत फैलाई जा रही, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। 14 के बाद ऐसा माहौल चेंज हुआ है कि क्या बताया जाए। लॉलीपॉप वाली सरकार है, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में, और हम खुद रोज जाते थे कॉपी लेके, देखे हो सकता आए कि नहीं आए, बस यही चल रहा है। सिर्फ लॉलीपॉप, झूठ झूठल पार्टी। अच्छा एक बात ये बताइए, तो बाकी क्या जब अखिलेश थे, कांग्रेस था, तो विकास होता था? तब नफरत की राजनीति नहीं होती थी? नहीं नहीं, तब नफरत नहीं था। हमारे वहाँ देखिए, हमारा गांव कितना पीछे है, सब एक नंबर RCC है, सब कुछ है, नाली लाइट भी एक नंबर। पहले 8 घंटे लाइट आती थी, फिर यहाँ से पैग्रामों से जोड़ झाड़ के किसी तरीके से 18-19 घंटे लाइट आ रही बराबर, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये आए हैं बड़ी आफत है।
आज तक देख लो पता चल जाता है। उसके पहले सब बढ़िया था? सब बढ़िया, एक नंबर था। अच्छा, कुर्सी विधानसभा का क्या माहौल है? सपा से कौन ऐसा कैंडिडेट है जो टिकट पाए वो जीत सकता है? अब टिकट कोई भी पाए, सब अपने हैं, सपा को ही जिताना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, सपा ही पार्टी ठीक है, सपा को जिताना। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? हम आपके बोलो। नहीं, विकास तो हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, मतलब कौन विकास करता था आपके वहाँ? नहीं, विकास का क्या, सिस्टम वाइज काम होता है। अब हम नहीं कर देंगे, पर जनता तो कर नहीं देगी। अब विधायक जी का काम है, सांसद जी का काम है। विकास का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे किसान पेंशन का ले लीजिए, किसानों की कोई भी नहीं है। आप यहाँ खेतों में चले जाइए, आपको पशु दिखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं, जानवर दिखेंगे। तो ये किसानों को नुकसान हो रहा, फसल जो बर्बाद हो रही है, उसको कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है किसानों को। तो विकास और ये सड़क नालियाँ आप सब खुद देख लीजिए, अपने हिसाब से खुद ही दिख रहे हैं विकास कितना हो रहा है। आप यूथ हैं, रोजगार की बात होती है, क्या लगता है कि इस समय बेरोजगारी चरम पर है? चरम पर तो है बेरोजगारी, तो बहुत चरम पर है। किसमें संभावना फिर देखते हैं कि बेरोजगारी कौन दूर करेगा? देखिए, हमें सरकार ऐसी चाहिए जो युवाओं को लेकर चले, और मतलब पूरे हिंदू मुस्लिम समाज सारे लेकर चले। कोई एक समाज की बात ना करे कि ये मुस्लिम कर रहे हैं, वो हिंदू कर रहे हैं। हमें किसी एक समाज की ना चाहिए, हमें शांतिपूर्वक रहना है। हिंदुस्तान में हमारा भी हिंदुस्तान है, हमको शांतिपूर्वक रहना है, सबका है। तो वहाँ पे मतलब ढंग से रहा जाए, ऐसी सरकार हमको चाहिए। कौन ऐसी सरकार थी जिसमें सब लोग शांति से रहते थे? नहीं, सरकारें तो अपने हिसाब से सब काम करती हैं। अब उसमें कौन शांति से रहे, जैसे समाजवादी पिछले आई 17 में उसमें 12 में, तो समाजवादी काफ़ी हद तक बीजेपी से सही थी। अच्छा, हमारे हिसाब से। किन मामलों में? बहुत से मामलों में, बाकी तो बुराइयां तो उनकी भी हैं, लेकिन अब हम लोग ओपनली नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपको भी तो अधिकार है कि आप किसी की आलोचना कर सकें। अधिकार है, और जी मसला क्या है, समाजवादी सरकार में बीजेपी से बहुत बेहतर थी समाजवादी सरकार। किन मामलों में बेहतर लग गई? असल में मामलों में यह है ना कि युवाओं को रोजगार मिला, हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। अच्छा जी, दावे से कह सकते हैं आप कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता था? जी, दावे से कह सकते हैं आप हिंदू मुस्लिम सपा के टाइम पे नहीं होता था? नहीं, होता था, होता है, लेकिन अब हम इतना नहीं कर सकते कि हाँ ज़्यादा बीजेपी से। मेरे ख्याल से लगता है बीजेपी के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम होता है, समाजवादी पार्टी के समय में मुस्लिम हिंदू होता था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी में अगर मुस्लिम मुस्लिम होता तो आज वैसे साहब को यहाँ मुस्लिम हिंदू, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तब मुस्लिम हिंदू होता था? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम होते ऐसा कुछ नहीं था। बस उसमें यह था कि सबकी मतलब चलती थी, ये नहीं कि हाँ वो एक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता उसका नहीं ऐसा था। चलिए और भी लोगों से, कोई और व्यक्ति है जो अपनी बात रखना चाहे? चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए जी, बिल्कुल। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपके कुर्सी विधानसभा में किस पार्टी ने विकास किया? फरीद के दुआई ने, सपा पार्टी, सपा ने अच्छा भरपूर विकास किया। 22 में क्या देख रहे हैं, बदलाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आवाज से, ये सड़ वाले जी हैं बोगी बाबा मटका। अच्छा, और धोते तो अब दिखा दिए सड़क, खेतवा दिखा दिए, खेत अपन देखते हो कैसे चरिन है। और मैं एक अब आज दूरी आ गया, एक नौकरी मिल गया, ख्यात बचाओ है कि रात 10 बजे लग ख्यात बचाओ। अच्छा, यह बहुत बड़ी जबरदस्त नौकरी मिली है, और ये खेतों में बचाओ बचाओ दोनों बचाए जी हैं। आप खेती किसानी करते हैं? ओ, खेती है, चलो गेहूं आलू सब लगे। किसानों की आय दोगुनी हुई? आय बहुत दोगुनी हुई, सड़ा बचा रहे, आय दोगुनी हो रही। अच्छा, दोगुनी का फसल में जो जितना पैसा लगा वो भी तो मिलता नहीं, वो लोग नहीं आ रहा। अच्छा, वो भी सबका सब साठ जड़ जाएगा तो मिलेगा, यही है आय दोगुनी है। पशुओं की समस्या, सब लोगों की समस्या, सबसे बड़ा संकट वही है। अब चलो मतलब योगी जी पूरी छूट दिए हुए हैं कि जिसका जब तक गाय दूध दुही रही, दूधे रही है, उसको आदमी पाले हुए है, और जहाँ दूध देना बंद कर दी उसको छोड़ दिया। अच्छा, और वो सबके खेत चल रही, खेत में पैसा लगता है, ऐसे खेती थोड़ी होती है। 1500 की DIP, खेत में डालो भाई, सड़वा चरे रात भर बचाओ, तो बाबा बचाए कि खतवा बचाए, रख दिए लोगों पूरी खेती समाप्त हाँ, पूरी समस्या पहले की भी थी ना, पहले आती जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी। क्यों, पहले समस्या क्यों नहीं थी? ऐसी नहीं थी समस्या, अब ये ज्यादा हो गई है, इतना जानवर पहले नहीं था। कारण क्या रहा था? इन्होंने ऐसे जिस हिसाब से रोक लगाई है इनका, जैसे पूरा आपने कहा है कि इनका सबका आश्रम बनाएगा, तो इनका आप आश्रम बनवाइए, आधार कार्ड बनवा दिया लोगों का, जानवर का आधार कार्ड बना, इनका पूरा सिस्टम आप बनवाइए ना, खुले साढ़ टहल रहे हैं, खुले जानवर टहल रहे हैं, ये सब गलत है ना। खेती किसानी प्रभावित हो रही है लोगों की बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पूरी खेती चौपट है, पूरे पूरे साढ़ खेत चले जा रहे हैं। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगा? महंगाई का मुद्दा है सबसे ज्यादा, तो यही मुद्दे है सबसे ज्यादा, अगर इस सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, महंगाई मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए। गैस सिलेंडर धरे हैं, ऊपर जाला लाग चुका है।
हाँ बिल्कुल, अब जो है कंडिक सारा लियो और जो ख्यातन लगे डरिया धरी हैं असला वाले जाए वो डरियो फूक गई। अरे कुल मिला के 22 में अखिलेश आ रहे हैं। अच्छा बस अखिलेश ही क्यों? अखिलेश ही सबसे अच्छे नेता। मायावती क्यों नहीं? मायावती का तो काम खत्म हो चुका है। अच्छा विकास जो किया अखिलेश ने किया 2012 में 2017 से इतना विकास किया अखिलेश यादव ने ही किया। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा क्या लगता है आपके वहाँ कुछ काम वम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा पास महंगी मिलती है, पास महंगी मिलती है वो भी मिलती नहीं टाइम पर। अच्छा बगैर पास के वो है हम लोग खेत। अच्छा खेती किसानी करते हैं आप? तो कमाई उमाई कुछ बढ़ा खेती किसानी कुछ नहीं बढ़ा है, घट गया। डीजल महंगा है, कहाँ से पानी आदमी लगावे, कहाँ से पैसा लावे। अच्छा डीजल महंगा है, पास मिलती नहीं मौके। डीजल महंगा होने से आप लोगों को तकलीफ हो रही है? बिल्कुल तकलीफ है, किसान का तकलीफ है। गल्ला हमारा मद्दा बिक रहा। अच्छा ये जो मंडियों का सिस्टम है, जो MSP की बात चल रही है, तो आप लोगों को न्यूनतम समर्थन में इसमें कुछ फायदा नहीं है हमको। अच्छा। लोगों को कुछ नहीं पता है क्या होता है इसमें, ये सब पता ही नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं पता, यहाँ कोई बताने वाला नहीं, लोगों को MSP की जानकारी नहीं है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुए हैं? कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा क्या होना चाहिए था आपके वहाँ? अरे शासन टाइट होना चाहिए, कम से कम जो ये बलात्कार हो रहे हैं ये बलात्कार रोकना चाहिए। कि बलात्कार हो जाते हैं जैसे हथरस में हुआ, उसको वहाँ पर DM जाने नहीं देते, वहाँ पर कोई पत्रकार को नहीं जाने देते, ये क्या हो रहा है? यही शासन है? शासन टाइट होना चाहिए, जैसे बहन जी की सरकार में शासन इतना टाइट, टाइम से आदमी ड्यूटी आवत रहा है, टाइम से जो है जात रहा है। शासन था, गरीब के भी सुनते थे, अमीर के भी सुनते थे। मतलब शासन व्यवस्था, मतलब आपका मानना बसपा के समय ज़्यादा ठीक था? हाँ बसपा के समय बढ़िया शासन था। अच्छा जी, तो इस बार क्या लग रहा है कि बसपा की कुछ वापसी की उम्मीद है? नहीं बसपा ही आएगी। बसपा आएगी? बसपा आएगी, लेकिन मायावती जी तो एकदम साइलेंट है ना, कुछ रैली वैली नहीं, लोगों से मिलना जुलना नहीं, तो कैसे वापसी कर लेंगी? उनको मिलने की जरूरत नहीं, सब उनके जो कार्यकर्ता सब टाइट हैं। अच्छा सब बूथ लेकर के और जो है वहाँ सेक्टर हैं और ब्लॉक हैं, ये सब जो है उनका कार्यकर्ता सब मजबूत हैं। बढ़िया, मतलब वो बिना निकले जीत जाएंगी? हाँ बिना निकले जीत जाएंगे। बढ़िया। अच्छा ये भी तो अपने आप में चमत्कार हो जाएगा कि बिना चुनाव में मेहनत की अगर वो जीत जाएं? जीत जाएंगे। अच्छा सपा नहीं जीतेगी क्या फिर? नहीं सपा मतलब जीतेगी नहीं, मगर सीटें अच्छी लाएगी। सबसे खराब कौन प्रदर्शन करेगी? सबसे खराब तो इस बार BJP जाएगी। सबसे खराब जाएगी। अच्छा जी, क्या हाल होने वाला है BJP का? अब BJP जो किया है वही पाएगी। क्या किया है वो क्या पाएगी? अब जो कुछ किया वो खुद जानते हैं। जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप बताइए? अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं और पब्लिक सब जानती है। बताइए हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिले। अरे क्या मिल क्या रहा है भाई, विद्यालय बंद हैं, ठीक है, दारू ठेका खुले हैं, कहीं मीटिंग लगती है तो कोरोना नहीं है, और बाकी जैसे कहीं पर कोई प्रोग्राम कराना चाहता है या कोई शादी है उसमें जो है तो कोरोना है। अच्छा तो यही तो सब है। अच्छा मतलब दिन में घूमिए रात में कोरोना है? नहीं हमेशा कोरोना है, कोई अगर दूसरा कोई जैसे मीटिंग कर रहा है तो उसमें कोरोना, शादी हो रही तो कोरोना है, उनके लोगों में चाहे 2,000, 2,500, 3,000 आदमी इकट्ठा हो उसमें कोई कोरोना नहीं। मतलब रैली में कोरोना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उनकी रैली में नहीं है। बाकी जगह हाँ, अन्य रैली लग जाए तो उसमें कोरोना है। चलिए और भी लोगों से उनका मूड जानते हैं। भैया क्या लगता है आपको कि 22 में किसकी सरकार बनने वाली है? 22 में अखिलेश की बनेगी। क्यों ऐसा क्यों? अखिलेश क्यों? अखिलेश में जो है हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, वो सब 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 लोगों को मिला के चलता है। अच्छा। जी शमशान कब्रिस्तान की तो बात होती थी उस टाइम पे? जी शमशान और कब्रिस्तान की खूब बातें होती थी सपा सत्ता दौरान? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और जो है किसान ज़्यादा परेशान है BJP सरकार में, जो गाय भैंस जो खेत वेत चल रही है ना, और जो है खाद वाद भी जो मिलने में दिक्कत हो गई, महंगाई भी ज़्यादा है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र होगी 26-27 साल। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। जी बेरोजगार हैं हम लोग। अच्छा, कोई चलिए तो आपने सबकी बातें सुनी, कोई किसानों की परेशानी की बात कर रहा है, कोई युवाओं की परेशानी की बात कर रहा है, कोई महंगाई की बात कर रहा है, कई लोगों का कहना है कि 22 में बदलाव की ज़्यादा संभावना है, अखिलेश के आने की उम्मीद है, लेकिन खैर ये तो 10 मार्च को ही पता लगेंगे कि कौन आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।